सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है भूषण और आप हो द वैरायटी स्टफ पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं वीआई के नए एपिन्स पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे एपिन मिल गया है और काम भी बहुत बेहतरीन कर रहा है। इस अगर एपिन की पर्टिकुलरली बात करूँ तो इसमें अपलोड स्पीड जो बहुत कम है, काफ़ी कम है, आपको डेटा ज़्यादा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा ज़्यादा, तो एपिन बहुत बेहतरीन है, इतना मैं बोलूँगा। आगे बढ़ने से पहले और बाकी सब चीज़ें करने से पहले, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना और ऑल के बटन पे क्लिक ज़रूर कर देना। इससे जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं एपिन की। बहुत बेहतरीन एपिन है, अच्छी 15-17 MBPS प्लस ही यहाँ पे आपको स्पीड मिलेगी, ठीक है, जो कि डिसेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत बेहतरीन है, बट डिसेंट है। बट आपको यहाँ पे अपलोड स्पीड कम देखने मिली, ठीक है। हो सकता है कि जो आगे किसी और स्टेट में अपलोड स्पीड आपको इक्वल मिले या अब डाउनलोड स्पीड आपको ज़्यादा मिले, है ना, तो ये कुछ चेंजेस उसमें आ सकते हैं। अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल से इसमें देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको मैं स्पीड टेस्ट दिखा देता हूँ ताकि आप श्योर हो जाओ, ठीक है। और बाद में मैं आपको दिखाऊंगा जो अभी मैं वीआई का यूज़ कर रहा हूँ उस एपिन को। तो कनेक्टिंग हो रहा है, यहाँ पे सर्वर फाइंडिंग हो गया है और पिंग आई है हमें 15 का 4 का जिटर है। स्पीड जो है आपके आंखों के सामने है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला 15-17 के बीच में आपको यहाँ पे मिलेगी, तो हमें स्पीड ऑलमोस्ट मिल गई है 22 MBPS की डाउनलोड स्पीड। और हमें देखना है कि अपलोड स्पीड कितना जाता है, ठीक है। अपलोड स्पीड एज सच बहुत नहीं है, ठीक है, जितना मैंने चेक किया था, बट अभी देखिए कुछ ड्रास्टिकली नीचे आती रहती है, ठीक है। तो आप जैसे देख रहे हो 15.24 यानी 15.2 का है और लॉस है 3% का। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट कि हमें डाउनलोड स्पीड बहुत अच्छी मिल रही है, अपलोड स्पीड कम मिल रही है। साथ ही में अगर मैं आपको सिग्नल टेस्ट कराऊँ, सिग्नल स्ट्रेंथ टेस्ट कराऊँ, तो मैं बहुत क्यूरियस था इसमें कि यार क्या सिग्नल आ रहा है क्या नहीं। तो एयरटेल का आप देख सकते हो 50-57, क्योंकि मेरे यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क काफ़ी अच्छा जाता है। लेकिन इसका 58 का एक जो है नंबर 58 का है, जो कि बहुत बेहतरीन है, ठीक है। 55 का एयरटेल है और 58 का आइडिया है यानी बी आई। नेट कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, फास्ट है, ठीक है। ये जो बार दिख रहा है ये जितना आप यानी जल्दी ये फील होगा ना, उतनी उसकी नेट कनेक्टिविटी बेहतरीन रहेगी। तो ये एक देखने वाली चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कोई वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, मैं मेरा नहीं करूँगा, ठीक है। गिन्नी टेक, ये हमारे दोस्त का चैनल है गिन्नी जी का। अगर आपने इनका ये जो वीडियो है देखा नहीं है, सैड ट्रूथ ऑफ इंडिया, और ये तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये जो चल रहा है ये बेसिकली चल रहा है 240 पे। अब मैं इसको शिफ्ट करूँगा 720 पे, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कितने जल्दी यहाँ पे लोड हुआ है। क्योंकि मैंने 240 से 720 पे किया, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। बट अगर मैं इसको 720 से 1080 पे करूँगा ना, तो आप बिल्कुल बिलीव नहीं करोगे, एकदम फास्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, आपको पता तक नहीं चला, बफर टाइम जो है कुछ भी ये नहीं हुआ। अब मैं आपको आगे लेके चलूँगा ओपन सिग्नल में। ओपन सिग्नल में हम लोग यहाँ पे वीडियो टेस्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में वीडियो टेस्ट का एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। तो HD में यहाँ पे चल रहा है प्लेबैक, कितने टाइम में होता है, क्या होता है, ये भी देख लेंगे हम लोग। और एक्यूरेट यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितना प्लेबैक है, कितने टाइम में हुआ, कितना टाइम लगा, क्या हुआ, कितना हर एक चीज़, ठीक है। तो प्लेबैक ख़त्म हो गया है। HD रेजोल्यूशन में 16.8 सेकेंड्स का टाइम ड्यूरेशन था, 1.6 सेकेंड लगे हुए हैं उसको, बफर 0 सेकेंड हुआ है, 90.2 का प्लेबैक टाइम है। ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि अपलोड स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं जा रही है, तो ये बहुत अच्छी देखने वाली बात है। वीआई का जो डिफ़ॉल्ट वाला है, मैंने आपको इसके पहले वीआई डिफ़ॉल्ट में भी काफ़ी चेंजेस करके दिखाए हुए हैं, तो वो अगर आपने यूज़ नहीं किए तो वीआई का डिफ़ॉल्ट वाला देख लीजिएगा। अगर आपने मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर लीजिएगा, तो आपको मॉर्निंग वाला वीडियो भी मिल जाएगा। और साथ साथ मैंने जितनी भी प्लेलिस्ट है बायफर्गेट कर दी है, आपको करना कुछ नहीं, आपको सर्च करना है जाके द वैरायटी स्टफ एपिन ट्रिक्स, जैसे आप सर्च करोगे आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस एपिन की। ये जो एपिन है बहुत ही बढ़िया है, इसमें हर एक चीज़ काम कर रही है, जैसे कॉलिंग हो गया, उसके बाद में हमारा वीडियो प्लेबैक का मैंने आपको दे दिया है पूरा का पूरा, दोनों वीडियो प्लेबैक के टेस्ट दे दिए हैं, यूट्यूब का दे दिया है, उसके बाद में मैंने आपको
एप्लीकेशन जो होता है उसने उसका भी टेस्ट रिजल्ट दे दिया, स्पीड टेस्ट भी मैंने दे दिया है, तो आप इस पर 1080 पिक्सल्स भी आराम से चला सकते हो। इसका मतलब स्ट्रीमिंग वगैरह जो है वो इजीली कर पाओगे आप, नो डाउट। अब बात रहेगी है गेमिंग की, तो गेमिंग का मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 4260 का आपको जो पिंग है, 4260 ms का पिंग आपको पबजी में और COD में देखने मिल जाएगा। COD मैंने इंस्टॉल नहीं किया, बट मैं अभी इंस्टॉल कर लूँगा, तो COD का भी एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं, ठीक है। फ्री फायर हमें खेलना नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पसंद वो गेम बेसिकली। चलिए लेट्स कीप इट अपार्ट, हम लोग अभी बढ़ते हैं हमारे एपिन की तरफ, ठीक है। एपिन में जाने के लिए हमें जाना है पहले सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोग जाएंगे नेटवर्क से इंटरनेट में, मोबाइल नेटवर्क, इसके बाद में आइडिया एडवांस। यहाँ पे मेरा LTE मोड जो है वो चालू है, ठीक है। इसका मतलब आपका मेरा जो वॉइस जाता है वो LTE पे, ठीक है, वो एकदम बढ़िया जाता है। उसके बाद में आपको करना है सेटिंग। अब आप क्या करोगे, आप एक ब्लैंक फॉर्म आएगा उसको भरना है, तो आपको यहाँ पे करना है नेम आइडिया GPRS, इसको आप हटा के कुछ भी और कर सकते हो, ठीक है। आप इसको रख लो प्राइम। अब बात आ गई है APN की, आप APN करोगे VI प्राइमा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ VI का V कैपिटल है, बाकी प्राइमा का हर एक चीज़ स्मॉल लेटर में है। यहाँ पे प्रॉक्सी नॉट सेट, पोर्ट नॉट सेट, यूज़र नेम जो है टेस्ट बीटा, पासवर्ड नॉट सेट, सर्वर नॉट सेट, MMS से MMS, प्रॉक्सी MMS, पोर्ट MMC से MMC, किसी को भी नहीं करना है। ऑथेंटिकेशन टाइप में आप यहाँ पे नन मैंने रखा हुआ है, आप चाहो तो आप PAP और CHAP कर सकते हो, ठीक है। APN टाइप में आप करोगे डिफॉल्ट कॉमा SUPL, इसको करेंगे ओके। उसके बाद में यहाँ पे आपको करना है ऑथेंटिकेशन APN प्रोटोकॉल में IP version 6, इसके बाद में रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको करना है IP version 4, दोनों में करना है, ठीक है। उसके बाद में बेयरर में आप करोगे LTE सिलेक्ट। इनकेस अगर आपको बाकी भी चीज़ों में चलाना है और स्पीड एंजॉय करनी है, तो आप यहाँ पे पूरा करोगे LTE से लेके तो GPRS तक सिलेक्ट, और बाद में कर दोगे इसे सेव, ठीक है। तो सेव होने के बाद आपको चेंजेस भी बहुत अच्छे नज़र आएंगे और बाकी सब चीज़ें भी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो ये एक चीज़ है, आप ज़रूर देखिए, ज़रूर कीजिए, और मुझे बताइए क्या क्या चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हो रही है, क्या क्या चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, ठीक है। तो मेरा नाम है भूषण, आप द वैरायटी स्टफ पे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन प्रेस कर देना। थैंक यू।